हेलो पीपल हा आर यू ऑल वेलकम टू माय चैनल इक्वेशन यूपीएससी, पी एस सी दिस इज़ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ माइंड यू कैन पॉज द वीडियो टू सी दिस सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ 2021, जितना भी टाइम के हिसाब से हो पाएगा हम उसकी स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको अप्रोच करना है बिकॉज वैसे भी टाइम कम है तो मेरा मकसद एक्चुअली में इस वीडियो को इस टाइम पे बनाने का ये नहीं है कि आपको मैं सोल्यूशनस दूँ इस चीज़ के कैसे है मेरा मेन चीज़ ये है कि भाई क्वेश्चन पेपर आता है तो हाउ विल यू हैंडल दैट क्वेश्चन आपकी स्ट्रेटजी कैसे रहेगी आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए कैसे आपको एक क्वेश्चन को मतलब अगर ना भी आ रहा हो तो उसको कैसे डील करना है एग्ज़ाम लाइक सिचुएशन में ठीक है एक रियल टाइम सिचुएशन में और हम वैसे ही करते आ रहे हैं पिछले वीडियोज़ के अंदर भी ठीक है तो इसमें भी मेरा यही ट्राई रहेगा ठीक है तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पेपर जो हमने छोड़ा हुआ था फिफ्टी क्वेश्चन पे से हम स्टार्ट करते हैं ठीक है आपका फिफ्टी सिक्स जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन अरेंजमेंट कैसी है ये केस फोर की केस है ठीक है तो इस ऑप्शन अरेंजमेंट में क्या होता है कि अपना आ, या तो आप इसमें से आंसर दे दो मतलब या तो ऐसा होगा कि एक वीकेस्ट को हटा दो या इसमें ऑल लगा दो आपके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं ऐसा करने के लिए या तो आप इसमें से एक हटा दो या ऑल लगा दो इसके अलावा कुछ नहीं बचते तो ये दिखने में तो अपने को लग रहे हैं कि चार ऑप्शनस हैं बट ऑब्वियसली बात है इसमें क्या है कि आपकी फ़िफ्टी फिफ्टी चांस है फिफ्टी फिफ्टी चांस क्या चीज़ है या तो आप एक एलिमिनेट कर जाओगे अपनी नॉलेज से या किसी भी चीज़ के या वीके स्टेटमेंट पर हटा के तो आंसर आ जाएगा या ऑल लगाओगे ऑल होने के फिफ्टी परसेंट चांस और इसके इसके अंदर फिफ्टी इसके अंदर स्टेटमेंट तीन है लेकिन जब एक हट गई तो आंसर आ गया ना तो ये बहुत इजी पैटर्न में ऐसा आता है और इस बार इसमें ट्वेल्व के आसपास या एट के आसपास कुछ ऐसे पैटर्न इस पेपर में देखने को मिले अपने को तो इस क्वेश्चन के अंदर ढूंढने के हम सबसे पहले और ये इस पैटर्न में यही होता है कि भाई आपको वीकेस्ट जानना है यही जानने की कोशिश हो रही है इसमें ठीक है ऐसा नहीं है कि आपको क्या पता है आपको बस ये, ये जानना चाह रहा है कि आपको ऐसा आपको ये पता है कि कौन सा गलत है ठीक द ग्लोबल ओशन कमीशन जी ओ सी ग्रांड्स लाइसेंस फॉर सी बेड एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग ठीक है तो हमने टूल बॉक्स में हमने देख रखा है कि जब भी ये कुछ ऐसी चीज़ देते हैं जो नाम से मिलती जुलती चीज़ है तो उसमें तो वो ट्वीक कर देते हैं जब नाम से ना मिलती जुलती जुलती चीज़ आए एकदम से कोई एक सेपरेट चीज़ ही आ जाए तो उस केस में आपका ऐसा हो सकता है कि आप इंक्लूड कर सकते हो बट जनरली ये ट्विक करते हैं ऊपर से आपको थोड़ा सा हो जाना है कि एक जब ये ग्लोबल ओशन कमीशन अगर देगा तो सी बेड एक कमीशन अलग से ही है अथॉरिटी तो सी बेड के लिए तो अथॉरिटी करेगी वरना सी बेड का काम क्या रहेगा तो इसमें टीक हो सकती है तो ये वीक स्टेटमेंट में है तो मैं इसको वीक स्टेटमेंट मानूंगा माइनस दे दूंगा इसको अब इसके बाद इंडिया हैज़ रिसीव्ड लाइसेंस फॉर सी बेड मिनरल एक्सप्रेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स हाँ इंटरनेशनल वाटर से लिया होगा इसने इसको प्लस देंगे हम ठीक है तो ये हम एलिमिनेट नहीं करेंगे ठीक है तो सेकेंड जा रहा है उसके बाद रेयर अर्थ मेटल्स आर प्रजेंट सी फ्लोर इन द इंटरनेशनल वाटर्स ठीक है ये तो आपको पता ही है जो जो अपने नोडूल्स बोलते हैं सी नोडुल्स में होता है ये चीज़ का तो आप ये ठीक है ये ठीक है और इसको इंक्लूड करोगे आप एक एलिमिनेट करने की कोशिश करो तो इनमें से आंसर आ जाता है तो आप वन को हटाओ और इसमें आंसर आ जाएगा बी ठीक है तो ये हो गया अपना क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक है उसके बाद फिफ्टी सेवन्थ अमंग द फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट वाटर एफिशिएंट लीस्ट वाटर एफिशिएंट है हर बार एक क्वेश्चन लगभग शुगर के इनका आ रहा है कि छोड़ के या फिर ऐसा कुछ करके तो इसमें आपको पता है कि आप इसमें एलिमिनेट क्या ही करोगे इसके अंदर देखो ये जो चीज़ है ना ये रेड ग्राम मिलट ये सब एरिड रीजन की है सनफ्लावर सनफ्लावर तो चलो ठीक है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल में हो जाता है सब ट्रॉपिकल में ज़्यादा होता है जैसे यूक्रेन वगैरह में ज़्यादा सनफ्लावर होता है तो अब इस चीज़ में आप ये देख सकते हो कि भाई आपको पानी की ज़्यादा कैसे है एक तो शुगर केन जो होता है एक तो ये स्टैंडिंग क्रॉप है मतलब ये लगा लो कि इसको एक साल दो साल तक ऐसे रहेगी ये अपने उसमें तो पानी ज़्यादा लेती है ऊपर से आप देखो ना इसके अंदर शुगर केन के अंदर जब आप उसका जूस निकालते तो पानी किसमें ज़्यादा दिखता है जिसमें ज़्यादा पानी दिखेगा वो ज़्यादा पानी लेगी तो ज़्यादा वाटर इंटेंसिव है और वाटर एफिशेंट क्रॉप नहीं है एफिशिएंट वही होती है जो भाई कम पानी में उग जाए और आपको वो प्रोडक्ट देते दे जो आप डिज़ायर करते हो तो जो ये पल्सिस होती हैं या फिर जो ये मिलेट्स वगैरह ये ज़्यादा एफिशिएंट्स होते हैं एफिशिएंट होते हैं इस चीज़ में ठीक है और ये सनफ्लार तो फ्लार ही है तो उस चीज़ में ये आपका आंसर सीधा ऑप्शन ए आ जाएगा इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है सबसे ईजी क्वेश्चन में से ये है तो ये आंसर आ गया इसका ठीक है फिर अगर आगे आप चलते हो तो आप फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन पर आते हो ठीक है उसमें क्या है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अब इसमें क्या करना है ये फिफ्थ आ गया फिफ्थ आ गया फिफ्थ पैटर्न में क्या होता है कि इसके अंदर आपको इन दोनों में से लाने के चांसेस है कि इन दोनों में से लाओ तो इसमें आप क्या कर सकते हो तो लाने में क्या है कि अगर एक स्टेटमेंट ठीक होती है तो दूसरी स्टेटमेंट को गलत करने का प्रूफ करो एक स्टेटमेंट आपको पता है गलत है तो दूसरी को सही करने का प्रूफ करो लेकिन ऐसे में ऐसा नहीं कि करना ही करना है अगर दोनों की दोनों आप प्रूफ ही नहीं कर पा रहे गलत तो मतलब दोनों सही हैं अगर दोनों की दोनों आप कर गए गलत तो आंसर नन्न आ जाएगा लेकिन ज़्यादातर आंसर अगर मान लो दस क्वेश्चन आते हैं दस में से पाँच के आंसर पाँच या छः के आंसर इन दोनों में से ही होते हैं लेकिन इन दोनों में से होने के लिए आपको एक को हटा दो ठीक है इसमें आप देखो इन ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न हम ट्राई करेंगे इन दोनों में से लाने का अब ट्रॉपिकल जोन में क्या है ट्रॉपिकल जोन द वेस्टर्न सेक्शन वेस्टर्न सेक्शन ट्रॉपिकल जोन अपने ट्रॉपिकल जोन बनाया ठीक है इक्वेटर हो गया उसके बाद क्या है वेस्टर्न सेक्शंस ऑफ द ओशन आर वार्मर देन द ईस्टर्न सेक्शन ओइंग टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेंडिंग अब वेस्टर्न कहाँ पे है अब अगर ये आप इस पर्टिकुलर रीजन को देख रहे हो तो वेस्टर्न यहाँ पे है और ईस्टर्न यहाँ पे है और अब इसके बाद ट्रेड विंड कैसे चलती है ट्रेड विंड ऐसे चलती है ऐसे ठीक है अब इसके बाद क्या है इसने बोला है कि भाई वेस्टर्न सेक्शन जो है वो वॉमर है देन ईस्टर्न तो वेस्टर्न यहाँ पे वार्मर है देन ईस्टर्न अब ट्रेडविंड चल रही है तो ज़्यादातर जो सी है जैसे तो मान लो ये सी है सी के अंदर अगर मान लो ट्रेडविंड ऐसे ले जा रही है इसको पानी को तो एक तो ये ट्रॉपिकल है ट्रॉपिकल जो, जो जोन होता है उसके अंदर अपना सन जो है वो ज़्यादातर इसी एरिया में रहेगा तो वाटर तो नॉर्मली गर्म ही है हर जगह कंपेरेटिव टू टेम्परेट रीजनस तो वाटर गर्म है ऊपर से मूवमेंट हो रही है सी में वाटर की मूवमेंट किस डायरेक्शन में जहाँ पे विंड जाएगी विंड क्या कर रही है इधर वाले वॉमर को इधर ले जा रही है जब वो इधर के इधर ले जा रही है तो यहाँ पे क्या होता है अपवेलिंग होगी अपवेलिंग होती है और यहाँ क्या है नीचे जाएगा पानी अपवेलिंग होगी तो नीचे जो सी का जो नीचे वाला पानी है ना नीचे वाला पानी वो ऊपर आएगा ठंडा पानी ऊपर आएगा तो ये ठंडा हो गया ये गर्म हो गया तो ये ठीक जा रहा है तो इसको मैं प्लस दूंगा ये जा रहा है मतलब ठीक है प्लस है तो उसके बाद क्या है कि तो इसका मतलब ये ठीक या तो ये आंसर होगा ए या फिर होगा सी ठीक है लेकिन चांसेस है कि मैं इसको टू को एलिमिनेट करने का ट्राई करूंगा कि कुछ क्या पता है ट्वीक हो ज़्यादातर केसेज में ट्वीक मिलता है अपने को अगर कोई एब्सर्ड स्टेटमेंट होगी तो मैं ट्राई करूंगा इसमें अब सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं जब सेकेंड स्टेटमेंट इन द टेम्परेट जोन अब इसने बोला टेम्परेट जोन यहाँ पे ये था अब टेम्परेट जोन यहाँ पे आएगा यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लो ऐसे करके जा रहा होता है ये हाई प्रेशर बेल्ट है इससे फिर ऐसे करके आ रहा होता है ये ऐसे फेस्ट्रीली जा रही होती है बार ठीक है जब ईस्टर्ली ऐसे आ रही होती है तो वेस्टर्ली ऐसे जा रही होती है तो वेस्टर्ली क्या कर रही है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही होती है अब ये क्या बोल रहा है जोन वेस्टर्लीज मेक द ईस्टर्न सेक्शन ऑफ द ओशन वार्मर देन द वेस्टर्न सेक्शन ईस्टर्न सेक्शन ये हो गया और वेस्टर्न सेक्शन ये हो गया अब ये वार्मर होगा कैसे मतलब ये बोल रहा है कि होगा बात तो ये है कि अगर ये स्टेटमेंट है ठीक तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है क्यों क्योंकि जब यहाँ से आप देखो ना जब ये इधर की तरफ जा रही है यहाँ ट्रोपिकर के पास तो हमारा वार्म मोशन रहता है ना यहाँ से पानी ये यहाँ लेके जा रही है तो ये वाम होगा ठीक है तो वाम होगा अब वाम होगा तो ये बात तो सही बोल रहा है तो साथ जा रहा है तो अगर ये ठीक है तो ये ठीक है अगर ये गलत है तो ये भी गलत है तो आंसर इन दोनों में से आएगा अब इसमें अब इसमें आंसर क्योंकि आपने देखा कि कॉमन सेंस के साथ भी ये जा रहा है जब मूवमेंट के साथ चीज़ें जा रही हैं तो इसका मतलब ये आंसर सी ही है इसका दूसरा क्या चीज़ है एक और चीज़ अब इसमें ट्वीट कैसे कर सकता था ये ये कर सकता था कि वेस्टर्लीज़ वाले केस में क्या कर देता वोमर जो बता देता वो वेस्टर्न को ही बता देता इसमें और इसमें सेम रखता तो फिर इसमें मतलब ट्वीट पहचान लिया आपने और इसमें आपका ठीक होता तो इसलिए आंसर ए आता उस टाइम पे लेकिन इसने आंसर ऐसा नहीं किया इसने वही रखा तो सी आंसर आ गया इतने आपको देखना है उस चीज़ में फिर उसके बाद फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन ये वही वाला ऑप्शन पैटर्न आपका यही वाला ठीक है इसमें क्या होता है या तो एक हटा दो या ऑल आंसर आ गया अब हटाने के लिए आप ट्राई करोगे कि कौन सी वीकेस्ट स्टेटमेंट है इन द कंटेक्सट ऑफ इंडियाज़ प्रिपरेशन फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ठीक है इसमें क्या हो रहा है कि भाई क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का बोला गया द क्लाइमेट स्मार्ट विलेज अप्रोच एक सी एस वी अप्रोच है इन इंडिया इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट लेड बाय द क्लाइमेट चेंज एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी सी सी ए एफ एस एंड इंटरनेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इट इज़ एन इंट्रोडक्ट्री स्टेटमेंट इट इज़ वेरी हाईली अनलाइकली देन इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट में कुछ ट्वीक कर और कुछ ऐसी चीज़ आप नहीं दे रहे कि इस नाम के साथ ना जा रही हो तो ये स्टेटमेंट आंसर का पार्ट बनेगी बनेगी ठीक है आप इसमें ट्वीक नहीं देख रहे तो इसको प्लस ही रखोगे मतलब इसको ऐसा नहीं करोगे कि कुछ एक, एक एब्सर्ड चीज़ है कि मैं एलिमिनेट कर दो एलिमिनेट एब्जर्ड चीज़ों को करो आपके उसमें जा रहे एक तो आपको चीज़ें पहली बार सुन रहे हो तो ऐसे तो ना एलिमिनेट कर दोगे यार या ऐसे तो नहीं होगा ठीक है उसके बाद सेकेंड स्टेट में पढ़ते हो द प्रोजेक्ट ऑफ सी सी एफ एस इज़ कैरिड आउट अंडर कंसल्टेटिव ग्रुप ऑन इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सी जी आई ए आर हेडक्वार्टर इन फ्रांस हमने ये देखा है ये इन फ्रांस और हेडक्वाटर इसमें ट्विक करता है तो इसको मैं अभी कुछ नहीं मानूंगा कि भाई ये क्या चीज़ है अभी नहीं पता आप थर्ड स्टेटमेंट के हिसाब से आप इसको टिक करके आओगे या नहीं करके आओगे ठीक है अभी ये देखो इसको प्लस तो नहीं मानोगे क्योंकि यू पास्ट में वगैरह को Uh, क्या करती है ट्वीक करती है या फिर स्टेटमेंट्स को फैक्ट्स को ट्वीक करती है क्या पता है ये फ्रांस में ना हो क्या पता हो कुछ नहीं पता अभी उसके बाद द इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड ट्रॉपिक्स इन इंडिया इज़ वन ऑफ द सीजन अब देखो जब ये सेमी एरिड वगैरह का क्रॉप चल रहा है और बात चल रही क्लाइमेट स्मार्ट की और उसके बाद क्या बोलते हैं क्लाइमेट चेंज फूड सिक्योरिटी ये सब चीज़ें इकरी सेट के डेफिनेशन के साथ जा रही है क्योंकि इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ सेमी एरिड क्रॉप जा रहा है तो ये कोई एब्जर्ड नहीं है कि भाई आप इसको एलिमिनेट करो साथ जा रही है चीज़ें साथ जा रही इसका मतलब ये प्लस आपने मार्क किया तो प्लस जा रही है साथ तो ये दोनों साथ जा रहे हैं ठीक है अब आप ये देखो या तो ये वन थ्री तो आंसर का पार्ट बनेंगे तो आंसर जो आएगा वो इनमें से आएगा तो बात वही पड़ती है कि आपकी वीक वीक स्टेटमेंट ये लग रही है बाकी वरना आंसर डी आएगा अगर ये आप इसको हटा पाए तो सी लगाओ वरना आंसर डी आएगा ये बात क्लियर है ठीक है उसके बाद अब क्या है अब आप टू स्टेटमेंट के देखो यहाँ पे मैं मानता हूँ एग्जाम लाइक सिचुएशन में यू मे एलिमिनेट इसको कर सकते हो तो आपको क्या होगा माइनस पॉइंट सिक्स सिक्स मिल सकते हैं बिकॉज अगर आप बाद में जाके देखो तो इसके अंदर फ्रांस है इसमें तो ऐसी सिचुएशन में कैसे आपको सोचना है कि भाई ट्विक की होगी नहीं होगी जब वो आपकी सुनी सुनाई चीज़ों को मैच करवा देता है तो वो ज़्यादातर ट्विक करता है जब आपकी वो नॉन सुनी चीज़ों को नॉन सुनी मतलब आपको लगता है कि वहाँ थोड़ा होगा वहाँ ऑल ऑफ अ सडन दे देता है तो इसका मतलब वो ट्वीक नहीं कर रहा है यहाँ ट्वीक कर रहा है समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि भाई आपने पहली बार सुना ये उसके बाद आप बोल रहे हो कि फ़्रांस ठीक है फ्रांस को क्यों ऑल ऑफ अ सडन लाया ये इंडिया क्यों नहीं बोला इसने इटली क्यों नहीं बोला इसने इटली में तो एफ भी है इसने फ्रांस क्यों बोला बिकॉज ये इसको पता है कि लोग इसको हटाएँगे ठीक है इसलिए इसने दिया तो अगर इस डायरेक्शन में आप सोच पा रहे हो तो यू मे इंक्लूड दिस बट मैं फिर भी बोलता हूँ कि इंक्लूड करने से पहले एक्सक्लूड पे जाओ कुछ नहीं होगा पॉइंट सिक्स सिक्स माइनस होंगे लेकिन ज़्यादातर केसेस में वो एक्सक्लूड ही होते हैं ये चीज़ें ठीक है थीके? इसके आंसर जो है वो डी है बस इसमें एक्सक्लूड नहीं हुआ ठीक है उसके बाद सिक्सटीथ क्वेश्चन लीफ लिटर जो इजी क्वेश्चन है मतलब ये पहले भी आ चुका है 2013 में भी आ चुका है तो इसका आंसर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ठीक है बिकॉज ये सारी डिस्क्रिप्शन इसी की है उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिक्सटी फर्स्ट द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड एंड स्कैटर्ड स्मोल्ट अब इसमें क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप ये देखो क्या है इसमें क्या है सबसे मिनिमाइज है तो हम दोनों इस, इस इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे ठीक है फिर अगर क्योंकि ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड तो हम मैक्सीम की तरफ जाएंगे और ऑप्शन अरेंजमेंट को देख के आपको लग सकता है कि ऑल आंसर नहीं है ऑल आंसर नहीं है तो इसका मतलब इनमें से एक ना एक स्टेटमेंट तो गलत है जबकि इसमें यह भी है कि तीन स्टेटमेंट मैक्सिमम दे रखी है तो दो स्टेटमेंट आपको गलत ढूंढनी ही है आप ऑल नहीं लगा सकते एग्जामिनर ने कोई ऐसा ऑप्शन नहीं रखा है ठीक है तो आपको इसमें अप्रोच रखनी कि हटाना क्या है लगाना नहीं हटाना क्या है ठीक है हो गया क्लियर स्टार्ट कहाँ से करोगे इन दोनों को लाने क्योंकि मिनिमाइज ये है तो सबसे ज्यादा एलिमिनेशन इसी की तरफ जा रहा है ठीक है द वेजिटेशन ऑफ और डायरेक्शन आपकी मैक्सिमम की तरफ रहेगी द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड विद स्कैटर्ड स्मॉल ट्रीज बट एक्सटेंसिव एरिया हैव नो ट्रीज द फॉरेस्ट डेवलपमेंट इन सच एरियाज इज़ जनरली कैप्ट इन चेक बाय वन और मोर और अ अकम्बिनेशन ऑफ सम कंडीशंस विच ऑफ द फॉलोइंग सच कंडीशंस ठीक है आप सवाना का इन्होंने कंडीशन पूछा ये भी टू में आ चुका है ठीक है उसमें क्या है कि बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स ये कंडीशन वहाँ पर है फायर ग्रेजिंग हरबी हर्बी बोरस सीजनल रेनफॉल एंड सोयल प्रॉपर्टीज अब इनमें से आपको वीकेस्ट स्टेटमेंट ढूंढो ऐसा तो है नहीं कि सारी की सारी है अगर ये सारी दे देता तो ये टफ की तरफ जा सकता था बिकॉज कुछ चीज़ें क्या होती हैं वहां पे भी हो सकती है कैन वैन की जगह हो सकता है ना लेकिन इसमें आपने दो हटानी ही हटानी है मिनिमम आप तीन भी हटा सकते हो क्योंकि दो ऑप्शन में दो दो दे रखे हैं तो इसको हटाना हटाने की तरफ जाओगे क्या आप सबसे पहले हटाओगे आप जब भी सबाना पढ़ते हो घर ग्रेजिंग हरवी वर्ड्स तो पढ़ते ही पढ़ते हो तो तीन तो आप हटाओगे नहीं तो ए स्टेटमेंट हटी बी स्टेटमेंट हटी इन दोनों में से आंसर है इसका मतलब सिर्फ दो ही हटेंगी ठीक है बात फायर फायर वहाँ का एक पार्ट है जब भी आप सवाना देखते हो फायर होती है इसलिए वहाँ पर स्कैटर्ड ट्री मिलते हैं ठीक है फायर वहाँ पे लंबी लंबी घासे है और फायर पकड़ लेती है उस चीज़ को तो फायर उसका पार्ट होगा तो टू पार्ट होगा आंसर का तो टू पार्ट चल रहा है थ्री पार्ट है तो आंसर आपको दिखना लग जाएगा कि ये आ सकता है अब ये जब दिखने लग रहा है तो प्रूव भी करो कि फ़ोर भी है फोर क्या है सीजनल रेनफॉल यस सीजनल रेनफॉल होती है क्यों क्योंकि सवाना जो जैसे ट्रॉपिकल चीज़ है उसके बाद ये सवाना आता है तो यहाँ पर जब रोज़ रेनफॉल है तो यहाँ सीजनल रेनफॉल है ठीक है यहाँ तो अब सवाना में सीजनल रेनफॉल नहीं होगी तो कहाँ होगी तो सीजनल रेनफॉल होगी तो फोर भी इसका पार्ट है तो आपके ये तीन स्टेटमेंट ठीक तो हैं आंसर भी आ गया है पर ट्राई करो वन को देखने की वन क्या चीज़ है बरोइंग एनिमल्स एंड टर्माइट्स तो भाई इसमें बरोइंग एनिमल टर्माइट आपका हट सकता है क्योंकि आंसर की अरेंजमेंट ऐसी है और सोयल प्रॉपर्टीज़ तो द वेजिटेशन ऑफ सवाना कंसिस्ट ऑफ ग्रास लैंड ये वो चक वन और मोर ऑफ कम्बी कंडीशन तो इसने जो क्वेश्चन के हिसाब से पूछा इसलिए ही हट जाएंगे ठीक है तो आंसर ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो आंसर ईजी क्वेश्चन ठीक सी आंसर सिक्सटी सेकेंड और मैं ना इसमें करने को तो मैं यार डिटेल में कितना ही एक्सप्लेन कर दूँ डिफरेंट डिफरेंट आपको वेज बता दूँ डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक्स बता दूँ बट ये वीडियोज़ वीडियो बहुत बड़ी बन जाएगी अभी ऑलरेडी ये वीडियो कितने की हो चुकी है फिफ्टीन मिनट की हो चुकी है और हमने कुछ कुछ पाँच क्वेश्चन किए हैं तो इसलिए क्या होता है कि हम क्या करते हैं जल्दी जल्दी करते हैं सिक्सटी सेकेंड क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द अब इसके के अंदर क्या है ये फिफ्थ फिफ्थ अरेंजमेंट है फिफ्थ अरेंजमेंट है तो हमको इन दोनों में से लाने की कोशिश करनी है ठीक है फिर इसके बाद बोला है विद रेफरेंस टू द वॉटर ऑन द प्लानट अर्थ कंसिडर द फॉलिंग स्टेटमेंट इसमें बोला वाटर का अब द अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर अब सोचो इस चीज़ को क्या है ये बोल रहा है वाटर रिवर्स और लेक्स टोटल मिला के आपका अमाउंट है वो ग्राउंड वाटर से ज़्यादा है लेक इज मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर ये एक फैक्टर है फैक्ट में क्या है कि ये जो चीज़ है आ, अभी आपको मेरे ख्याल से ये चीज़ गलत है बिकॉज़ ग्राउंड वाटर ज़्यादा है ग्राउंड वाटर ज़्यादा है लेक और रिवर तो रनिंग चीज़ें हैं ना उससे ज़्यादा ग्राउंड वाटर है इंटरनल जो क्योंकि तो स्टोरेज जहाँ पे चीज़ होती है वहाँ ज़्यादा होती है रनिंग चीज़ में ग्राउंड वाटर तो, टोटल टो, में ये नहीं है मतलब आंसर इसका तो वन हटेगा तो या तो आंसर अभी भी चल रहा है ये हटा तो इसको ठीक करने की कोशिश करनी है सेकेंड स्टेटमेंट को ठीक है अब सेकेंड स्टेटमेंट को देखेंगे हम द अमाउंट ऑफ वाटर इन पोलर आइस कैप्स जो पोलर आइस कैप्स है वहाँ पे एंड ग्लेशियर इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर इन्होंने क्या किया कि ग्राउंड वाटर से मोर है ये तो ये बात बिल्कुल सही है ग्राउंड वाटर टोटेलिटी में अर्थ में जितना उससे ज़्यादा तो यहाँ पे है बात ये चल रही है कि रेफरेंस टू वाटर इन द प्लेनेट वाटर के हिसाब से है तो अब इसमें क्या है एक तो फ्रेश वाटर नहीं बोला बट बात यह है कि ये ठीक है आप एन में देखोगे टी ठीक है एक और चीज़ दोनों के दोनों गलत करने का तो आप ट्राई मत करो एक आपको ये हल्का फुल्का आपका अंदाजा है कि भाई अमाउंट ऑफ वाटर इन द रिवर्स एंड लेक्स इज़ मोर देन द अमाउंट ऑफ ग्राउंड वाटर ये आपको पता है कि ये दोनों ये गलत गलत स्टेटमेंट है और 2013 थाउजेंड थर्टीन में क्वेश्चन आ चुका है इनडायरेक्ट फॉर्म में मतलब स्टेटमेंट वाइज या ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है तो ये आंसर आपका गलत है तो जब ये गलत हुआ तो इसको ठीक करने का ट्राई करो और आपको ये लॉजिकल भी लग रहा है जब आप पढ़ते हो एन ये क्वेश्चन ना एक नॉलेज बेस्ड है और आप जब भी एन पढ़ते हो ये तो पढ़ते ही पढ़ते हो तो ये आंसर सही होएगा फिर तो आपको बी लगाना है यहाँ पे ठीक है इन दोनों में से आंसर रहता है ठीक है फिर सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन ये क्वेश्चन है लोग बहुत बोल रहे कि भाई पता नहीं क्या दे दिया इन्होंने क्या है कुछ नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है पहले ऑप्शन अरेंजमेंट देखनी है ऑप्शन अरेंजमेंट क्या बोल रही है आपको ऑप्शन अरेंजमेंट बोल रहे हैं कि पाँचों के पाँचों आंसर नहीं है एक एलिमिनेट होगा ही होगा तो वी के स्टेटमेंट ढूंढनी है ये नहीं ढूंढना कि आपको क्या पता है कि आपकी नॉलेज को रखो साइड में और कॉमन सेंस को लाने दो पेपर के अंदर ठीक है कॉमन सेंस को लाओगे तो हो जाएगा नॉलेज को थोड़ा साइड में रख के आखिर में टिक करते टाइम थोड़ा नॉलेज को चेक कर लो क्रॉस चेक कर लो ठीक है अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या करना है अपने को कि एक ना एक तो एलिमिनेट होगी और दो मिनिमाइज है मतलब ये है कि दो में तो ऐसा हो रहा है कि भाई दो एलिमिनेट हो रही है और दो में ऐसा हो रहा है कि एक एलिमिनेट हो रही है तो मिनिमम एक तो एलिमिनेट होगी होगी अब देखो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो मोरिंगा ड्रमसिक ट्री इज़ अ लेगुमिनस बोरिंगा बोल दिया इन्हें साथ में बोल दिया ड्रमस्टिक ट्री एक एक सेकंड रुको इज अ लेगमिनस बोरिंगा ड्रमस्टिक ट्री इज अ लेगमिनस एंड एवरग्रीन ट्री इसने एक तो बोला लेगमिनस है और एवरग्रीन ट्रेन जो ट्री होते हैं वो लेगनमिनस भी होते हैं नॉन लेगनस भी होते हैं ट्री लेगमिनस वो होते हैं जिसके अंदर जो है नीचे नोड्यूल्स होते हैं तो लेगमिनस एक पूरी फैमिली अलग है ट्रीज़ की जैसे अपने अपना अकेशिया हो गया अकेशिया कटीचूगे जैसे नीलोटिका जैसे बबूल वगैरह हो गया बहुत सारे ट्रीज हैं और एवरग्रीन होते हैं डेसिडियस होते हैं तो क्या यहाँ ट्विक पॉसिबल है येस नॉन एगोल भी हो सकता है और एवरग्रीन की जगह डेसिडियस भी हो सकता है ट्वीक पॉसिबल है आप इसको प्लस तो नहीं मानोगे अभी आप इसको न्यूट्रल रखो आपको नहीं पता इस चीज़ का ठीक है नॉलेज को भी साइड में रखो फिर उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट टैमरिन टैमरिन इमली होता है इज़ एंडेमिक क्या ये एंडेमिक है साउथ एशिया एक एंडेमिक का पहले भी आया हुआ इसी पेपर के अंदर एंडेमिक और नेटिव चीज़ आया तो इसको इसको जानो कि एंडेमिक क्या होता है एंडेमिक मतलब उस एरिया से बाहर तो गया ही नहीं है नेटिव मतलब उस एरिया का है बट उससे बाहर भी उगता है ठीक है तो नेटिव अगर मान लो यहाँ उग रहा है तो इसको बोलेंगे कि ये इस एरिया का नेटिव है ठीक है जैसे मान लो ये इंडिया है तो अगर कोई इंडिया से बाहर उग रहा है तो ये बोलेंगे कि ये इंडिया का नेटिव है उस एरिया में बोलेंगे और अगर एंडेमिक है तो एंडेमिक में क्या बोलते हैं कि बस उस वहीं पे ही है उससे बाहर नहीं मिलता ये ठीक है अब इसमें क्या है कि आपका आता है कि भाई क्या ट्वीक हो सकता है या सीहाँ हो सकता है तो ये अभी बहुत स्ट्रॉग स्टेटमेंट नहीं है ठीक है ये अभी वीक स्टेटमेंट है ये दोनों अभी वीक स्टेटमेंट है उसके बाद आप चल रहे हो अभी थर्ड देखो आपको तो सबसे वीक है सबसे वीक क्या है या फिर सबसे स्ट्रांग या तो वीक जान लो या सबसे स्ट्रांग जब स्ट्रांग जान लोगे तो आंसर का पार्ट बनेगा ही बनेगा वीक जान लोगे तो हटा सकते हो जब आप श्योर नहीं हो तो हटाओ मत अभी पहले स्ट्रांग को इंक्लूड कर लो एलिमिनेशन में दोनों चीज़ें होती है या तो आप इंक्लूड कर लो ठीक है या आप हटा दो इंक्लूड करने वाले टेक्निक्स भी आपको एलिमिनेट करा देगी देखते हैं कैसे करते हैं इसमें क्या है कि आपने क्या किया इसके अंदर जैसे थर्ड है इन इंडिया मोस्ट ऑफ़ द टेमरिड मोस्ट ऑफ द टेमरिंड इमली इज कलेक्टेड एज अ माइनर फोर्स प्रोड्यूस ये बहुत जनरल स्टेटमेंट है बिकॉज अपने को पता है कि माइनस एक होता है मेजर फोरस प्रोड्यूस एफ पी और एक होता है माइनस फोरस प्रोड्यूस मेजर में तो टिम्बर विम्बर आते हैं माइनर में फ्रूट्स आते हैं क्या टेमरिड फ्रूट के अंदर हो सकता है हो सकता है क्योंकि ये उसका सीड और फ्रूट ही तो है तो ये मेजर इंडिया में वैसे भी चीज़ें जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के थ्रू आती हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये सही है ये आप गलत नहीं करोगे तो थर्ड आंसर पार्ट बनेगा ही बनेगा तो थर्ड पे आप शोर हो जाओगे थर्ड यहाँ है यहाँ है और यहाँ है तो पहली स्टेटमेंट हट गई अब इन तीनों में से है आप अभी भी मिनिमाइज वाली चीज़ों में हो फिर उसके बाद फोर्थ फोर्थ में क्या है इंडिया एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट्स टेमरिंड एंड सीड्स ऑफ मोरिंगा इंडिया जो है एक्सपोर्ट्स करता है टेमरिन ऑफ सीड्स एंड मोरिंगा क्या आप इस चीज़ को एलिमिनेट करोगे ये कैसी स्टेटमेंट है जनरल है बहुत स्पेसिफिक है इट इज़ वेरी जनरल स्टेटमेंट इन्होंने ये नहीं बोला कि नेट एक्सपोर्ट नेट एक्सपोर्ट होता तो इसका मतलब ये होता है इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है इम्पोर्ट कम इसने बोला एक्सपोर्ट करता है अगर मैं अपने घर से एक पैकेट बाहर भेज दिया अपने दोस्त को तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया ना तो आप इस चीज़ को बिल्कुल कभी गलत नहीं कर सकते ये स्टेटमेंट हर हालत में ठीक होगी ही होगी इट इज़ वेरी जनरल इसको आप यू कभी गलत नहीं कर सकती अगर गलत करी तो एग्जामिनर गलत है तो इस स्टेटमेंट को प्रूव कर चुके अब अब सही है ये क्योंकि इसने बोला एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट कितना भी हो चाहे इम्पोर्ट ज़्यादा हो एक्सपोर्ट तो करेगा ही करेगा बिल्कुल सही पॉइंट है ये फोर स्टेटमेंट आंसर का पार्ट बनेगी फोर स्टेटमेंट आंसर का पार्ट बनेगी ये तो हटाई चुके थे हम ठीक है ये फोर हो गया फोर हो गया ये नहीं है तो इसका मतलब ये हट गया इन दोनों में है मिनिमाइज में अभी चल रहे हैं डायरेक्शन बिल्कुल सही पकड़ी हुई है सीड्स ऑफ मोरिंगा एंड टेमरिंड कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स अब कैन भी आ गया बहुत लिबरल टर्म है कैन भी बहुत लिबरल टर्म है सीड्स ऑफ मरिंगा एंड एमरेंट सीड क्या होती है कोई बायोमास होता है फिर फ्य। बायोफ्यूल क्या होता है बायोफ्यूल में हमारा दोनों आते हैं एथेनॉल ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं एथेनॉल वगैरह हो गए बायोफ्यूल को आप ये भी बोल सकते हो डीज़ल बायो डीजल भी बोल सकते हो लेकिन अगर आपको एक मैं नॉलेज जस्ट बता देता हूँ जो सीड्स होती है ना जिसके मान लो ऑयल निकलता है उससे आप बना सकते हो बायो डीजल कोई चीज़ करके लेकिन किसी भी बायोमास से आपने पढ़ा है ना वन जी टू जी थ्री जी फोर जी मतलब फो जनरेशन जनरेसन जनरेशन थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल तो फर्स्ट जनरेशन में क्या है किसी भी बायोमास से बनाओ ये बायोमास तो है इससे बायोफ्यूल बना सकते हो बना सकते हो कुछ ना कुछ क्योंकि कुछ शुगर कंटेंट होगा उसको आप फर्मेंट करोगे उससे इथेनॉल बना दोगे ये स्टेटमेंट आंसर का पार्ट बनेगा ही बनेगा फ़ाइव होगा और फाइव इसमें नहीं है तो ये कट जाएगी आंसर क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा अब जब बी को टिक कर रहे हो तो आपको ये देखने का पता चलेगा ना कि भाई आप जो स्टेटमेंट से आप सबसे ज़्यादा डर रहे थे ठीक है उसमें तो यू पी निकल गया इसमें इसको इन दोनों को तो आंसर ये तो आंसर आया ही नहीं मतलब ये ये डिसाइडिंग फैक्टर थे ही नहीं फिर आप देखो कि जब मैं आंसर लगा रहा हूँ भी थ्री फोर फाइव क्या ये इनमें ट्वीक पॉसिबल थी मैंने तो पहले ही बताया था टैगोमिनस ना हो एवरग्रीन ना हो और क्या नाम है टैमरिन जो एंडेमिक ना हो साउथ एशिया ना हो क्या पता कहाँ का हो इतनी सारे वर्डज है ट्वीक हो सकता था इसलिए ये वेल एंड गुड है गुड टू गो है प्लस मोरिंगा जो है ड्रम आप यहाँ पर दिल्ली के आसपास भी देखते हो तो ऐसा एवरग्रीन तो होगा ही नहीं है ठीक है आंसर वैसे भी आ गया बहुत सारे सिचुएशन में आप निकाल सकते हो सोच के लॉजिक तो बहुत सारे होते हैं ठीक है तो ईजी क्वेश्चन था कुछ ऐसा कोई डरने की बात नहीं थी सिक्सटी फोर्थ ब्लैक कॉटन सॉयल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू द वीदरिंग ऑफ ये सबको पता है कि ब्लैक जो कॉटन है वो आपकी वॉलकैनिक रोग है फीजर वॉलकैनिक रोग से आती है ठीक है ये क्योंकि वहाँ पे मिलती है ना जहाँ पे अपना आ, जो इंडिया है उसके अंदर जो ये धार आ, क्या नाम है जो डेकन ट्रैप है ठीक है उसके ये वॉल्कैनिक रॉक का पार्ट होता है इसी के वीदरिंग से बनती है तो इसका आंसर जो है यही आ गया मतलब बी आंसर आ गया तो इजी क्वेश्चन ये तो पहले भी आ रखे हैं यार ऐसे क्वेश्चन ठीक है अब इसके बाद देखो ये कौन सा फिफ्थ है इसमें से लाने की ट्राई करनी है अगर बिल्कुल नहीं ला पाए जनरल स्टेट में तभी तो आप जाओगे इधर की तरफ क्यों क्योंकि ये साइंस का क्वेश्चन है डायरेक्शन ऐसी रहेगी आपकी ठीक है डायरेक्शन का मतलब मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ जब आप कन्फ्यूज हो जाओ ना बिल्कुल इक्वली एक छोटी मतलब मिनिमाइज्ड और एक मैक्सीमाइज टर्म में तो आप साइंस और ऐसे डायनेमिक क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिमम वाले को चूज कर सकते हो लेकिन अगर आप कंफ्यूज हो जाओ तो स्टैटिक पोर्शन में पॉलिटी हिस्ट्री में स्टैटिक पार्ट क्योंकि पॉलिटी हिस्ट्री में डायनेमिक पार्ट भी होता है पॉलिटी हिस्ट्री के स्टैटिक पार्ट में आप इन दोनों में से इसको चूज कर सकते हो ये है मैक्मम मिनिमाइजेशन का आप पूरी वीडियोज़ देख सकते हो मैक्सिमम मिनिमाइजेशन में भी ठीक है ट्राई करना है इनमें से एक ठीक करने का फिर देखते हैं क्या रहता है इन्होंने बोला विद रेफरेंस टू रिसेंट डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट रिगार्डिंग रिकम्बीट वैक्टर वैक्सीन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फर्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग इज अप्लाइड इन फॉर द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्लाइड इन द डेवलपमेंट ऑफ डीज वैक्सीन यार ये इतनी जनरल स्टेटमेंट है जिसको कोई भी नहीं आपको हटा पाओगे तो ये आंसर का पार्ट बनेगा तो इसका मतलब इसमें से और इसमें से आंसर है फिर उसके बाद आप सेकेंड को गलत करने के ट्राई करोगे अगर आपको नहीं पता लेकिन जनरल स्टेटमेंट है उसको आप ऐसे धक्के से मत कर देना बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर यूजिंग एज वैक्टर बिल्कुल आप बिल्कुल सही है मतलब आप बैक्टीरिया और वायरस को यूज़ कर सकते हो ना वायरस वेक्टर वैक्सीन बैक्टीरिया वैक्सीन तो चीज़ बहुत जनरल से इसको आप हटाओगे नहीं और ऊपर से आपका आंसर आ रहा है बोथ अलार्मिक सिचुएशन है नहीं है क्योंकि साइंस एंड टैक में बहुत आ सकता है यार साइंस एंड टैक में चीज़ें कॉपी पेस्ट भी हो सकती है तो सी आंसर इसका बन गया ठीक है तो आपका अभी और अगला एक लास्ट सिक्सटी सिक्स ओर कर लेते हैं उसके बाद फिर दूसरी वीडियो में ट्राई करते हैं या फिर इसको पोज करके फिर इसी वीडियो को बड़ा कर देंगे ठीक है इन द कंटेक्सट ऑफ हेरिडिटी डिजीज़ अब इसमें क्या है इन दोनों में से लाने की योजना नहीं है ठीक है कुछ ना कुछ ट्विक मिल जाएगा आपको हेरिडिटी कंसिडर दूमेंट पासिंग ऑन मेटिकोंडल डिजीज फ्रॉम रिसेंट फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड कैन बी प्रिवेंटेड बाई मेटोकोडल रिप्लेसमेंट थेरेपी ये पिछले तीन साल से 2019 थाउजेंड नाइनटीन ट्वेंटी और ये ट्वेंटी वन भी आ गया ये माइट्रोकोल्ड रिप्लेसमेंट है तो प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफ़र और ये सब चीज़ें एक जैसी है थ्री पैंट चाइल्ड एक जैसा है ईधर इधर बिफोर एंड और आफ्टर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसमें कई सारी चीज़ें हैं जिसमें ट्वीक हो सकता है तो अभी इसको आप स्ट्रॉग स्टेटमेंट नहीं मानोगे ठीक है ना इसको अभी एलिमिनेट करो लेकिन आप ये देखो कि भाई आप ये देखो एक तो इधर बिफोर एंड आफ्टर क्या आफ्टर कर सकते हो इन विट्रो और एक होता है इन बाई इन वाइवो की तो बात नहीं आपको पता इन विट्रो तो हो ही सकती है ठीक है इन वाइवो भी हो सकती है ये ये एक इसमें ट्विक हो सकता है लेकिन इसमें नहीं है ट्विक कि आपको अपने ये कंसेप्ट पढ़ा रहा है पिछले दो साल से आ रहा है तो कर रहे हो अब आफ्टर होती है नहीं होती इसमें ट्विक हो सकती है तो इसको अभी शक के घेरे में रखना है सेकेंड अ चाइल्ड इनहेरिट्स माइटोकोंड्रिया डिजीज एंटायरली फ्रॉम मदर एंड नॉट फ्रॉम फादर बिल्कुल सही बात है क्योंकि क्या होता है इसके अंदर न्यूक्लियर इसके अंदर एक माइट्रोक्रिया डेना यहाँ पर होता है तो हमारे पास जो कोई भी है चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो उन दोनों के पास जो माइट्रोकोंड्रिया होता है वो उसकी मदर के उससे आता है बिकॉज वो जो सेल जो डिसेंट्रीगेट होगा ना चीज़ों में जैसे कई सारे उसमें बना तो सब का माइट्रोकोंड्रिया इसी मदर सेल से आया है ठीक है हम जो स्पर्म होता है उसका न्यूक्लियर इसके अंदर जाता है इससे वो कर जाता है एक जयकोड बनता है एक फुल फ्लैश सेल होता है इसकी वॉल स्ट्रॉग हो जाती है जिसमें और स्पर्म एंटर नहीं करते और ये जो है ये अब बन गया जयगोड मतलब एक एक लिविंग सेल के टाइप में हो गया इसके अंदर एग्जैक्टली exactly फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम हो चुके हैं अब या तो ये लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लेकिन जो माइटोकोंड्रिया वो मदर से आया अब ये ये तो हुआ माइसिस फिर उसके बाद माइटोसिस होता है वो डिफरेंट डिफरेंट एग उसमें कन्वर्ट होगा सबका माइटोकोन्ड्रिया यही आएगा अगर माइटोकोंड्रिया में दिक्कत आती है तो वो मदर सेल से आती है तो हम क्या करते हैं थ्री पेरेंट चाइल्ड होती है तो थ्री पेरेंट चाइल्ड में क्या करते हैं उसमें ये न्यूक्लियस हटा दिया ये न्यूक्लियर हटाया न्यूक्लियस हटाया उसके बाद जो स्पर्म वाला उससे हट इससे मिलाया और एक किसी और लेडी का एग लिया उससे न्यूक्लियर हटा के बाहर किया और इसका मेटोकोडिया इसके अंदर ये फिट कर दिया तो ये थ्री पेरेंट हो गया इसके अंदर ठीक है चलो ये वैसे कंसेप्ट है सबको पता होगा मेरी यहाँ पे एम ये नहीं था कि मैं आपको कोई कंसेप्ट बताऊँ मेरा एम में अप्रोच बताऊँ तो अप्रोच में क्या होता है कि भाई आप इसमें हो सकता है कि ये ट्वीक हो और दूसरा क्या है कि ये ठीक है जब ये ठीक है तो जैसे ये ठीक होता है तो इसके गलत होने की प्रोबेबिलिटी नाइन्टी हो जाती है ठीक है तो इसमें अब जब हम मिल गया चीज़ का टेन परसेंट के इसमें हो भी सकता है ठीक लेकिन नाइन्टी परसेंट जब हो जाती है और आप डाउट आ रहा है तो आप ये देख लो ट्विक वाली चीज़ें भी हैं तो कंसेप्चुअली क्या है कि आफ्टर नहीं हो सकता बिकॉज अगर आफ्टर हो तो सेल डिवीज़न जब हो जाएंगे तो सेल डिवीज़न जब हो जाएंगे तो यार हर एक का मेट्रोकोरेंट रिप्लेस करोगे अब हर एक का करोगे तो फिर एक अडल्ट का भी कर लो अडल्ट में तो बहुत सारे सेल्स हैं तो मुझे मेरे ख्याल से आंसर इसका जो है वो बी आएगा ठीक है चलो इसको फिर बाद में देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में ये छोटी वीडियो बनाते हैं अभी ठीक है ये थर्टी मिनट्स की होगी चलो कोई नहीं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आ, रेस्ट के जो रेस्ट क्वेश्चन है उसको भी कर लेंगे और जो थीम वाली चीज़ है उसको भी एक बार मैं आपको बता दूँगा ओके बाय